क्या बना पैसे इकट्ठे हो गए? क्या भाजन नहीं हो रहे कहीं से भी पैसे इकट्ठे? इसलिए तो कुछ जल्दी सोचो कुछ। भाजन क्या सोचूं? अगर उस लड़की को आज पैसे ना दिए तो वो तो हमें कच्चा ही खा जाएगी। किसने कहा था पैसे उधार लेके खाओ? अच्छा जी, जैसे आप तो मेरे साथ खाते ही नहीं थे ना, जब पैसे देने की बारी है तो मेरे ऊपर सारा कुछ डाल दिया। अब ये सब बातें छोड़ो और ये सोचो कि उसको पैसे देने कैसे हैं। वालेकुम सलाम, पिछो कैसे हो? ठीक हो? अच्छा सबसे पहले तो बेटे ये फीस के पैसे पकड़ो। पैसे किस लिए बाबा? बेटे फीस की आपके ना, पहले ही बहुत लेट हो गया था, पेमेंट जो नहीं मिल रही थी, आज ही मिली है तो मैंने कहा पहले पहले फीस आप लोगों की देते हैं, ठीक है ना? और हाँ सर से माजरत कर लेना कि लेट हो गए हैं इस दफा थोड़ा सा, ठीक है? चलो ठीक है, चलो ठीक है बेटे, मैं चलता हूँ फिर, ये याद से दे देना और जहान से पैसे लेके जाना। ठीक है, चलो शाबाश। ए पागल, फीस के पैसे क्या कर रही हो? अरे भाजी कुछ नहीं होता, पहले उस पागल लड़की को जितने उसके पैसे थे दे देंगे, बाकी जो बचेंगे सर को दे देंगे। अगर उन्होंने हमें पढ़ाना होगा तो पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ाना होगा तो फिर ना पढ़ाएं। ये नहीं पढ़ाएंगे तो कोई बात नहीं, बाबा हमें दूसरे सर रखवा देंगे। चलो इधर पढ़ने चलते फिर। चलो अब भाजी चलते हैं। भाईजान अब तो खुश हो जाओ, अब तो परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ ठीक कह रही हो गया, चलो ओ कीचड़ में पैर चला गया। आए हाय अंधे हो, नजर नहीं आता। कैसे सफाई करते हो, सारी मट्टी हमारे पर फेंक दी। ओह ये क्या हुआ? सारी मट्टी फेंक दी बदतमीज इंसान। सॉरी सॉरी, जानबूझ के नहीं किया, वो मैं गाड़ी साफ कर रहा था, मैंने कपड़ा झाड़ा, मुझे नहीं पता था कि आप लोग आए। बस बस झूठ ना बोलो, सब पता होता है तुम लोगों को। हे तुम लोगों को पढ़ाई से क्या लेना देना, तुम लोगों ने थोड़ी ना पढ़ने जाना होता है, हम लोगों ने जाना होता है, सारा गंदा करके रख दिया है। इसमें पढ़ाई की बात कहाँ से आ गई, मुझे भी पता है पढ़ाई क्या होती है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम लोगों के पास पैसे नहीं है। बाबा जो कमाते हैं हम लोग उससे घर चलाते हैं, पढ़ाई का तो सोच भी नहीं सकते। भैया। अरे मेरी प्यारी बहन आ गई आप। भाई आपको पता है आज मेरा टेस्ट हुआ था, आज मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। अरे वाह शाबाश मेरी बहन, आपने बहुत अच्छा काम किया। मेरी बहन को पता है ना कि मैं कितनी मुश्किलों से पैसे कमाता हूँ, हमेशा इसी तरह मेहनत करना। क्या मतलब, ये जो तुम सारा काम करते हो ये सिर्फ अपनी बहन को पढ़ाने के लिए करते हो? जी मैं ये सब अपनी बहन को पढ़ाने के लिए करता हूँ, और वो जो बाबा कमाते हैं उससे सिर्फ हम लोग घर चला सकते हैं। और मैं चाहता हूँ मेरी बहन पढ़ लिखे कुछ अच्छा इंसान बन जाए, और मेरी बहन मेरी ख्वाहिश का मान रखती है। वो कैसे? वो ऐसे, इसको पता है कि मेरा भाई मेरे लिए बहुत मेहनत करता है, और मैंने अपने भाई का नाम रोशन करना है इसलिए ये इतने अच्छे मार्क्स लाती है। और अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं भी इसके साथ पढ़ सकता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नहीं पढ़ पा रहा तो मेरी बहन तो पढ़ पा रही है ना। और हाँ फिर से सॉरी करता हूँ, जो आपके ऊपर मैंने गलती से मट्टी गिरा दी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं। ठीक है। ज़्यादा कुछ चीज़ चलाना आगे, और चीज़ लेते हैं जाके। नहीं भाई, ये तो हम बहुत गलत काम कर रहे हैं। गलत काम? क्या मतलब? भाईजान आपने देखा नहीं कि वो बच्चा कैसे लोगों की गाड़ियाँ साफ कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बहन को अच्छी तरह से पढ़ा सके। और हमें देखें हम क्या कर रहे हैं, जिनको इतनी आसानी से पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, हम उस पढ़ाई करने के मौके को जाया कर रहे हैं। भाईजान हमें देखें, हमें तो कोई एहसास ही नहीं पढ़ लिख के कुछ बड़ा आदमी बनने का, और उन्हें देखें,
उन्हें कितना एहसास है। उनमें और हमें सिर्फ एक चीज का फर्क है कि हमें हर चीज आसानी से मिल जाती है और उन्हें नहीं मिलती। इसी चीज से अंदाजा होता है कि किसी चीज की कदर उनसे पूछे जिनके पास नहीं है। सही कहा फिजा, आज के बाद हमें अहद करना चाहिए कि हाँ कभी पढ़ाई से नहीं भागेंगे। सही कह रहे हैं भाजन आप कि हम अपने माँ बाप की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और जोरों शोर से पढ़ाई करेंगे। तो डन के पढ़ाई में नो कॉम्प्रोमाइज। तो चलो फिर चल के अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करते हैं। चलो। फ्रेंड्स आप लोग भी याद रखें कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते, जो आपके पास है उसी की कदर करें, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता।